नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। महाराष्ट्र राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस दल में एक ही जगह पर एक ही जिले में दो या दो से अधिक वर्ष कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी तथा होम टाउन में कार्यरत पुलिस अधिकारियों की बदली के आदेश निर्देशित किए हुए हैं। इसके पीछे का उद्देश्य विधानसभा के चुनाव निष्पक्ष स्वरूप से व सुचारू रूप से कायदा व्यवस्था को संभालते हुए संपन्न किए जाए, यही है। और उनके इस आदेश के उपरांत महाराष्ट्र पुलिस दल में व्यापक स्वरूप से अंतर जिला बदली की गई। मुंबई व इतर जिले में भी इस तरह की बदलियां की गई। और कल महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक माननीय श्रीमती रश्मि शुक्ला जी की भी बदली डीजी पोस्ट से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर संजय वर्मा जी को चार्ज दिया गया है। यहाँ पर श्रीमती रश्मि शुक्ला जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हटाने का कारण यही रहा है कि उनके पिछले विवादास्पद कार्यकाल और बीजेपी तथा विशेषकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ उनके अच्छे संबंध, जिसके चलते उन्हें डीजी पोस्ट पर शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी कालावधि के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। और इन्हीं सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमती रश्मि शुक्ला जी को उनके पद से हटाकर वहां पर संजय वर्मा जी की नियुक्ति की गई है। मुंबई में या महाराष्ट्र में पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक दल व पुलिस फोर्स और सर्वसाधारण पब्लिक में चुनाव आयोग के इस निर्णय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा गया। वहीं लोगों ने चुनाव आयोग के द्वारा मुंबई के स्पेशल सीपी श्री देवेंद्र भारती के बारे में दुर्लक्ष किया जाना है या उस बारे में कोई भी ध्यान न देने के को लेकर आश्चर्य भी व्यक्त किया जा रहा है। आश्चर्य इसलिए व्यक्त किया जा रहा है कि श्री देवेंद्र भारती जी पिछले साधारण 15 वर्षों से अधिक कालावधि के लिए स्वतः व अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई में ही कार्यरत है और वे कभी भी मुंबई से बाहर गए नहीं तथा उनका कार्यकाल पूरी तरह से विवादास्पद रहा। दो डीजी स्तर के अधिकारियों ने उनके विरुद्ध में गंभीर स्वरूप के एडवर्स रिमार्क गवर्नमेंट को सौंपे हैं, जिसमें प्रमुख से संजय बर्वे जी, जिन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि श्री देवेंद्र भारती जी मुंबई पुलिस व मुंबई के रहवासियों के लिए संभावित धोखा है, इसलिए उनकी एक्टिविटीज की पूरी तरह से जांच करना आवश्यक है। वहीं संजय पांडे जी ने, जो उस समय डीजी पोस्ट पे थे, तत्कालीन डीजी संजय पांडे जी ने अपने रिपोर्ट में यह मेंशन किया है कि श्री देवेंद्र भारती जी के घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ अच्छे संबंध हैं और उनके मुंबई में कार्यरत हस्तक सलीम महाराज, अहमद लंगड़ा, इनके साथ उनके भी अच्छे संबंध होते हुए वे उनके मार्फत दाऊद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मदद पहुंचा रहे हैं। इस तरह के दो दो डीजी ने इस तरह के गंभीर स्वरूप के उनके ऊपर रिपोर्ट देने के बावजूद बीजेपी से श्री देवेंद्र भारती जी के अच्छे संबंधों के चलते व देवेंद्र फडणवीस से उनके अच्छे संबंधों के चलते स्पेशल सीपी की पोस्ट पहली बार मुंबई पुलिस में क्रिएट की गई और वहां पर श्री देवेंद्र भारती जी का चयन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम कलम 22 में 22 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनदेखी की गई। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड से कोई रिकमेंडेशन नहीं प्राप्त किए गए और सीधे श्री देवेंद्र भारती जी को स्पेशल सीपी के पोस्ट पर पदासीन कर दिया गया। श्री देवेंद्र भारती जी
कि इस तरह की पोस्टिंग उन्हें उनके विरुद्ध को वारंटो रिट पिटीशन के लिए उन्हें क्रम प्राप्त करती है। फिर भी न तो विपक्ष न पक्ष न कोई राजनीतिक दल न ही व्यथित पुलिस अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में कोर्ट में या कहीं भी अपने उसके बारे में तकरार या कंप्लेंट नहीं किए। इससे देवेंद्र भारती जी की पूरी दहशत और पूरी कंट्रोल किस तरह से है ये स्पष्ट होता है। देवेंद्र भारती जी ने दो तीन दिन पूर्व ही साधारण 29 अक्टूबर को अपना वर्चस्व अपने बारे में एक लोगों में जो दहशत निर्माण करने के लिए एक ट्विटर में ट्वीट किया कर कहा है कि नेवर एंगर द लॉयन, और एक मरणासन शेर की तस्वीर डालकर इस तरह के उन्होंने वक्तव्य उसमें किए हैं और खुद को लॉयन बताने की कोशिश की है। और मेरा देवेंद्र भारती जी से यही कहना है कि देवेंद्र भारती जी न तो आप लॉयन हैं न तो कुछ हैं, और आप एक सिर्फ पब्लिक सर्वेंट हैं, और नौकर कभी भी शेर नहीं होता और शेर कभी नौकरी नहीं करता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से दहाड़ना और डराना ही है तो जब बाबा सिद्दीकी के भरे बाजार में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस समय लॉरेंस विश्नोई गैंग का नाम आने के बाद आप लॉरेंस विश्नोई को जरा दहाड़ के देखते, आपकी वो दहाड़ पुलिस की गरिमा को बढ़ाती, लोगों में पुलिस का विश्वास प्रस्थापित करती, परंतु ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया है। और लॉरेंस विश्नोई वाले केस में मराठी में जो कहते हैं पाट्या टाकने का काम, या हिंदी में कहते हैं गधा मजूरी का काम चालू है, आज दिन तक इस मर्डर के बाद आज दिन तक आप लॉरेंस विश्नोई को इंक्वायरी के लिए मुंबई लाने में भी असफल रहे। मुंबई लाना तो छोड़ो, उसके पास जाके इन पर्सन उसकी इंक्वायरी तक करने में आप असफल रहे, काहे के लाए ना आप, ऐसा न करिए, आप शांति से जो चल रहा है चलने दीजिए। मेरा यहाँ पर विशेष कर छोड़िए इनको, मैं इलेक्शन कमीशन को विनती करता हूँ कि मैंने जो भी वक्तव्य कहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय से, महाराष्ट्र के मंत्रालय से श्री देवेंद्र भारती जी के विरुद्ध जो भी कंप्लेंट्स या जो भी रिपोर्ट्स संजय बर्वे और संजय पांडे जी ने भेजे हैं उसको मंगवा कर उसकी जाँच करें, और तुरंत प्रभाव से देवेंद्र भारती जी को वह और उनके जो टीम है पुलिस ऑफिसरों की उसको मुंबई से बाहर भेजें, और इस तरह से मुंबई की चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप और निष्पक्ष रूप से कराएं, तथा आपके इस कृति से इस एहसान से मुंबई की जनता भी सुरक्षित महसूस करेगी, ऐसा मेरा मानना है, और इसीलिए आपसे विनती है। मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।